नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज एक ऐसे विशेष राज्य के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में आपको पता होगा लेकिन इतने विस्तार से नहीं। जी हाँ, बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में वह दौर भी देखा है जब बिहार में जंगल राज की बात कही जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लालू यादव और उनके जमाने के जंगल राज की। खास बात यह है कि यह किसी राजनीतिक दल ने नहीं कहा बल्कि आम जनमानस की आवाज बनते हुए पटना हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी। इसी दौर में तेल पिलावन, लाठी घुमावन रैली समय में भाजपा विधायक आशा सिन्हा के पति सत्यनारायण सिन्हा के खगौल में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप दबंग कहे जाने वाले रीतलाल यादव पर लगा था और 30 अप्रैल 2003 को बिहार में जंगल राज की जीती जागती तस्वीर सामने आई थी, जिसके बारे में लोग आज भी चर्चा कर सिहर जाते हैं। इस तारीख को लालू प्रसाद यादव की तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली थी और इसी दिन दानापुर थाने में जमालुद्दीन चक के पास दानापुर के पूर्व विधायक आशा देवी के पति भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा सरेआम उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मामले में लालू प्रसाद के करीबी रीतलाल यादव आरोपी थे, लेकिन मंगलवार को पटना व्यवहार न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत ने हत्याकांड के करीब 21 साल बाद रीतलाल को आरोपों से बरी कर दिया। क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। बिहार ने वो दौर भी देखा है जब बिहार में जंगल राज की बात कही जाती थी। खास बात यह है कि किसी राजनीतिक दल में नहीं बल्कि आम मानस की आवाज बनते हुए पटना हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद बिहार में 1990 और 2005 के दौरान लालू यादव राबड़ी देवी का शासनकाल था और इस काल को जंगल राज कहा गया। दरअसल 5 अगस्त 1997 को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने पहली बार बिहार में जंगल राज का जिक्र करते हुए कहा था कि बिहार में सरकार नहीं, बिहार में जंगल राज कायम हो गया है। ऐसा इसलिए कहा गया था कि उस दौर में अपराध का ग्राफ बढ़ गया और पूरे बिहार में बाहुबलियों का दबदबा हो गया था। हाई कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद जंगल राज कायम ही रहा। उस दौर में हाई कोर्ट की यह टिप्पणी किसी भी अपराध के होने के साथ ही याद आ जाती है, खासतौर पर जब कोई भी चुनाव हो तो लालू राबड़ी शासनकाल पर विरोधी पक्ष जंगल राज को लेकर हमला जरूर बोलते हैं। अभी भी लोकसभा चुनाव का दौर जब चल रहा था, इसी बीच बिहार के एमपी एमएलए कोर्ट ने एक निर्णय ने एक बार फिर से उस पुराने वक्त के जंगल राज की याद दिला दी थी, उस कहानी की यादें ताजा कर दी थी जब भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा के मर्डर की तारीख 30 अप्रैल 2003 थी और पटना में तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली का आयोजन राजद की ओर से किया गया था। पटना की ओर पूरे बिहार से लोगों का हुजूम चला आ रहा था। वहीं तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली के लिए पटना पहुंच रहे राजद के समर्थक बेकाबू हो गए और राजधानी पटना की ओर भारी संख्या में आ रही भीड़ से आम लोगों को दहशत में डाल दिया। इसी बीच पटना के खगौल इलाके में जब सत्यनारायण सिन्हा की मौत हुई तो कहीं ना कहीं इस खबर से पूरे प्रदेश में सनसनी मच गई और प्रदेश की क्या ही बात की जाए। दरअसल तत्कालीन भाजपा विधायक आशा देवी के पति के जब मर्डर हुआ तो कहीं ना कहीं इस बात से एक मैसेज गया कि लालू यादव के राज में कोई भी सेफ नहीं है। और ये बात तभी निकल कर सामने आई कि जब बड़े बड़े नेताओं की इस तरीके से हत्या हो जाती है तो आम लोगों के जीवन का क्या ही कहा जाए। वहीं लालू के जंगल राज में ऐसा होता था कि कोई अपनी बात खुलकर नहीं कर पाता था। जिस तरीके से लालू यादव का दबदबा था, कहीं ना कहीं ये माना जाता था कि अगर कोई भी कुछ भी बोलेगा तो दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी जाएगी और उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो दहशत बैठ गई और वो जंगल राज की कहानी भी शुरू हो गई। जी हाँ, आपको बता दें सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड मामले में उस समय में 4 लोग आरोपी बनाए गए, जिनमें से एक दानापुर के ताकतवर राजद विधायक रीतलाल यादव भी थे। लेकिन इस मामले में रीतलाल यादव की गिरफ्तारी तो नहीं हुई, परंतु उनके खिलाफ मामला शुरू हो गया। दरअसल रीतलाल यादव की छवि जो है वो दबंग नेता की है और इसी कारण से उन्होंने राजनीति रसूख भी हासिल किया था।
लालू यादव ने उन्हें राष्ट्रीय जनता दल का महासचिव भी बनाया था। और वहीं भाजपा विधायक आशा देवी की हत्याकांड के नाम पर आने के बाद भी रीत लाल और भी ताकतवर हो गए। लालू प्रसाद यादव का संरक्षण उन्हें मिलता रहा, लेकिन वर्ष 2005 के बाद जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी तो इस मामले की स्पीडी ट्रायल हुआ और बढ़ते पुलिसिया दबाव के बीच 2010 में रीत लाल यादव ने सरेंडर कर दिया। हालांकि कहा जाता है कि रीत लाल यादव ने सरेंडर चुनाव के लिए किया था, लेकिन 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में रीत लाल यादव जेल से दानापुर सीट में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और हार गए। उनके खिलाफ सत्यनारायण सिन्हा की पत्नी आशा देवी चुनाव लड़ रही थी, जबकि वह जीती भी थी। लेकिन इस मामले में सुनवाई होती रही और इसके बाद अगस्त 2020 में रीत लाल यादव को जमानत मिल गई और इसी साल उन्होंने राजद के टिकट पर दानापुर से विधानसभा चुनाव जीता और बिहार विधानसभा पहुंच गए। अब पटना के व्यवहार न्यायालय में स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार 14 मई को उन्होंने सत्यनारायण मिश्रा को कहीं ना कहीं मर्डर केस के आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने बरी होने के बाद विधायक ने कहा कि न्याय की जीत नहीं है, वही दिवंगत सत्यनारायण सिन्हा और आशा सिन्हा के पुत्र सहजानंद ने कहा कि जज साहब ने मेरे परिवार के साथ अन्याय किया है, 21 सालों तक फैसले का इंतजार किया और अंत में जज साहब ने अन्याय कर दिया। फिलहाल जजमेंट की कॉपी का अध्ययन किया जा रहा है और इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील भी की जाएगी, इस तरीके की बात वो कहते हुए नजर आए थे। वहीं अगर लालू यादव के जंगल राज की बात की जाए तो वो तो खत्म हो गया, लेकिन जब चारा घोटाला हुआ तो कहीं ना कहीं लालू यादव का वो मामला फिर से उठता हुआ दिखाई दिया। जी हां, आपको बता दें झारखंड में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पशुपालन घोटाला जो मामला है वो पांचवा और अंतिम मामला था। इसमें डोरंडा ट्रेजरी में 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के आरोप उन पर लगे और लालू प्रसाद यादव को झारखंड के अन्य चार में भी सजा हो चुकी है। वहीं सीबीआई ने घोटाले को लेकर 66 मामले दर्ज कराए थे। इनमें से 6 बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को भी अभियुक्त बनाया गया। उनके खिलाफ सिर्फ एक मामला लंबित है, उसकी सुनवाई बिहार की राजधानी पटना की सीबीआई कोर्ट में अभी भी चल रही है। साल 2000 में बात करा जाए तो बिहार बंटवारे से पहले इन सभी मामलों की सुनवाई पटना की विशेष सीबीआई कोर्ट में चल रही थी। झारखंड बनने के बाद इनमें से 5 मामले झारखंड ट्रांसफर कर दिए गए थे। वहीं लालू यादव 15 फरवरी को दोषी ठहराए गए और उसके बाद रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती हो गए और कस्टडी में रहते हुए वो इलाज कराने लगे। वहीं 74 साल के लालू यादव को कई बार कई तरीके की बीमारियां हुई। वो सोमवार को अक्सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्रवाई में शामिल हुआ करते थे। आपको बता दें लालू यादव पशुपालन घोटाले में अभी तक कुल 7 बार जेल जा चुके हैं। वहीं चाईबासा ट्रेजरी के अवैध निकासी के मामले में 3 अक्टूबर 2013 को पहली बार जेल की सजा के बाद वो 3 साल अधिक वक्त जेल में भी गुजार चुके हैं। हालांकि इनमें से 8 महीने उन्होंने रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में गुजारा, बाकी वक्त न्यायिक हिरासत में वो इलाज के लिए रांची, दिल्ली और मुंबई के अस्पतालों में भर्ती रहे। उनके वकील प्रभात कुमार ने एक बार बातचीत में बताया था कि लालू प्रसाद के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र और पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद और चंद्रदेव प्रसाद मिश्रा व भोले राम जो तूफानी थे वो कहीं ना कहीं कई बार पशुपालन घोटाले में अभियुक्त भी बनाए गए और इन नेताओं का जो ताल्लुक है वो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों से रहा। इनमें से अधिकतर लोगों को कोर्ट ने सजा भी सुनाई। हालांकि डॉक्टर जगन्नाथ को सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने खराब सेहत को देखते हुए उन्हें बरी कर दिया। बाद में उनका निधन हो गया। ऐसे रही लालू की कहीं ना कहीं चारा घोटाले की कहानी। अब आगे की कहानी आइए आपको बताते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की वो सिरा देने वाली कहानी जिस पर लोगों को अक्सर भरोसा नहीं होता है। नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार की कहानी बदलती जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में अभी भी वही कहीं ना कहीं गरीबी, भुखमरी और अशिक्षा देखने को मिलती है और लगातार अब
कहीं ना कहीं बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पासा बदला है, या उस जमाने की बात करें लालू और नीतीश ने एक साथ एंट्री मारी थी, लेकिन उसका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं बिहार की जनता पर वो छाप आज भी देखने को मिलती है। जंगल राज के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, वहीं अशिक्षा के चलते ही जंगल राज को आज भी बहुत लोग वैल्यू करते हुए नजर आते हैं और लालू प्रसाद का दबदबा कहीं ना कहीं अभी भी कायम दिखाई देता है। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव अब अंतिम राजनीति पड़ाव पर हैं और कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज लालू यादव एम्स में भर्ती होते हैं और उनकी हालात ठीक नहीं बताए जाते, लेकिन उनके जमाने में किए गए ऐसे कार्य जो कहीं ना कहीं आज भी लोगों के लिए कहानी सुनाने में और सुनने में लोगों को बड़ा मजा आता है, और वही कहानी कहीं ना कहीं लालू यादव का इतिहास भी बन गया है। चारा घोटाला, जिसमें सबसे बड़ा घोटाला और जब लालू यादव ने अपनी गद्दी राबड़ी देवी को सौंपी थी, वो भी एक बेहद इंटरेस्टिंग कहानी है। ऐसे में वो जनता का मन लुभाने में कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको लालू के जंगल राज की कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।